नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल भय डिस्क्रिप्शन व्लॉग में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा इस कैप्सूल के बारे में। तो दोस्तों, ये कैप्सूल मेरे पास पिछले 10 सालों से है। तो ये क्या काम आता है, क्यों मैंने इसे पिछले 10 वर्षों से अपने पास रखा हुआ है और इसे कभी खाया क्यों नहीं, तो चलिए इसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, ये वो कैप्सूल है जो कुछ इतना बड़ा है और ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, थोड़ा ये पुराना हो चुका है। तो दोस्तों, ये कैप्सूल बाहर से तो कैप्सूल जैसा ही दिखता है, लेकिन ये प्लास्टिक का है, मैंने बताया, तो इसके अंदर कुछ है, तो ये कुछ इतना बड़ा हो जाता है। तो चलिए इसको मैं आपको और भी अच्छे से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये कैप्सूल है, इसको हम इस तरह से खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, ये इतना बड़ा हो जाता है और ये आपको पेन जैसा लग रहा है, तो बिल्कुल ये पेन ही है। और ये कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि लगता है कि जैसे कैप्सूल है, इस तरह से फिट हो जाता है। और तो दोस्तों, जब मैं स्कूल में था, जब इस प्रकार के कैप्सूल की डिजाइन वाले और बहुत तरह के पेन आते थे, तो उन पेनों को मैं खरीदता था, मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे। वैसे मैंने इससे ज़्यादा लिखा नहीं है, लेकिन मुझे ये पेन काफ़ी अच्छा लगा और मैंने उसे तब से अभी तक संभाल के रखा है। और बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए मैं इसे कभी कभी देख लेता हूँ। और बचपन में मैं जब भी मार्केट जाता था, तो काफ़ी डिजाइन के काफ़ी तरह के पेन आते थे, छतरी की डिजाइन और काफ़ी अलग अलग डिजाइन के आते थे। अभी भी आते होंगे, अभी तो मुझे पता नहीं इतना, क्योंकि अभी तो मैं नॉर्मल से ही पेन लेता हूँ, कोई अलग डिजाइन वाले नहीं लेता। जब हम बचपन में छोटे होते हैं, तो काफ़ी डिजाइन के पेन पेंसिल वगैरह होते हैं, तो वो लेने का काफ़ी शौक होता है। तो इसी तरह से मैंने ये लिया था और मुझे ध्यान है आज से 10 साल पहले मैंने इसे लिया था और अभी तक ये मेरे पास मौजूद है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।